बजे हैं भाई, आराम से बिस्तर पे सो रहे। देखो शर्मा रही है कि भाई मेरी वीडियो बनते हुए। ये लिली बाय, चलते हैं बाद में मिलते हैं आप। हेलो गाइस, आई एम रेडी निकले यहाँ से, अब निकलते हैं बस। ये हिमांशु भाई के घर से अब निकलेंगे, साथ हिमांशु भाई को भी लिया है क्योंकि दोस्त की शादी है, तो उसकी शादी में देहरादून जाना है। तो अभी पहले तो शिमला निकल रहे हैं, दिखाते हैं आपको शिमला, उसके बाद देहरादून शादी में बाद हम देहरादून पहुंचेंगे। तो गाइस कैसा लग रहा हूँ कमेंट्स करके बताओ आपका, देखते हैं आपका कमेंट्स कितने आते हैं कि भाई हाँ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, मेरे को बताओ। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है, पार्क करी है। अब यहाँ से 10-15 मिनट में ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अब 10-15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। पहले अब 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से शिमला का, पर भाई किलोमीटर तो कम ही दिखा रहा है, 85-86 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, बट जो रास्ते हैं सारे वेव्स सी बन जाती है उसमें, तो घुमा फिरा के अपने हाथ में, तो इसलिए 20-30-40 बस इसी स्पीड में गाड़ी चलती है। तो भाई देखते हैं अब कुफरी हमें जाने देंगे या नहीं कुफरी, क्योंकि 4x4 अलाउड है गाड़ी वहाँ पे, बट अपने पास 4x4 नहीं है। अपनी क्रेटा आपको दिखाते हैं भाई, क्रेटा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी तक हमने, मतलब एक ट्रिप पहले हुई थी इसकी शिमला रोहतांग की मनाली की, बट उस टाइम हमने ये व्लॉगिंग चैनल वगैरह नहीं बनाया था, उस पर नहीं डाली थी, बट अब दोबारे आए हैं दोबारे, उस टाइम भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इस टाइम भी अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है गाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी धन्नो, बहुत साथ देती है यार भाई गाड़ी। देखो गाइस ये खड़ी, भाई साहब घर से काफ़ी दूर है बट ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल एकांत में खड़ी है धन्नो साइड में। अब चलते हैं तब आपको दिखाएंगे यहाँ से, अब आंटी से मिल लेते हैं, नमस्ते वगैरह करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। ठीक है गाइस, आपको मिलवाते हैं हमारी हिमांशु की मम्मी जो हमारी आंटी है, उनसे मिलवाएंगे अभी। नमस्ते करते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। हाँ आंटी कमजोर हो गई पहले से ज्यादा, ठीक है आंटी नमस्कार, चलते हैं बाय। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम, अब निकलते हैं बिल्कुल आंटी, अब यहाँ से निकल के भाई हिमांशु साथ में ही है, अब चलते हैं अब हिमांशु घर, हिमांशु के यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन पे। तो गाइस भाई यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का जो क्लाइमेट वातावरण है बहुत अच्छा, मतलब यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मजे आए कुछ भी कहो, जो अच्छा लगा अब सारे के सारे आ रहे हैं। तो भाई बहुत मतलब एकदम इधर पार्क करिए, मैं आपको जगह दिखाता हूँ, नीचे उतार देता, हाँ यहाँ से उतर, यहाँ से उतर जाती भाई। तो भाई ये हमारे धन्ना, अब यहाँ से चलते हैं हम सामान रख के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अब यहाँ से गुड बाय बोलते हैं, चलते हैं यहाँ से, अब वहाँ से हिमांशु और राहुल आगे ही खड़े हैं, तो उनको वहाँ से लेंगे पिकअप करेंगे। वैसे मिथुन बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई गाइस यहाँ से अब निकलते हैं, अब हमारे मिथुन भाई ड्राइव कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम सैटिस्फाइड, मत लगाओ क्योंकि यार अपने मेरे को इतनी खास ड्राइविंग नहीं आती।
तो गाइस यहाँ से निकल लिए हैं हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। हिमांशु भाई साथ में ले लिए हमने, अब ट्रिप हिमांशु भाई के साथ है देहरादून तक। तो गाइस अब हमने हिमांशु के चाचू को हमने छोड़ दिया, उनको चाहिए था सिस्टम, तो अब उनको सिस्टम दिलाकर छोड़ के हम निकले हैं। अब हिमांशु बताएगा भाई कहाँ चलना है, पहले शिमला, देखो शिमला चलो कुफरी चलो। चलो भाई देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं हम, ठीक है गाइस। चलो आप साथ दो, साथ रहो, चलते हैं आपको दिखाते हैं नजारे। रात में जब हम आ रहे थे ना, ये पूरा अंधेरा अंधेरा जंगल लग रहा था, बिल्कुल जंगल सुनसान है एकदम, कुछ नहीं, बट दिन में ही हसीन वादियां लगती है भाई साहब। तो गाइस ये मैंने आपको दिखाया था300 किलोमीटर चल गए, 650 रुपए लगते हैं भाई। और 300 वगैरह की वजह से बाकी क्या है, मनाली में कुछ नहीं, मनाली से बढ़िया शिमला है तो मैं बोलता हूँ। मैं भी खुद इनको यही बात बोली थी मैंने उस दिन ना, हम कल चले थे, मैंने यही बात बोला था भाई मनाली से, चाहे भले ही शिमला में कुछ नहीं है और मनाली से बेटर मुझे शिमला लगता है। यह है नारकंडा वाला रूट, हम नारकंडा जा रहे हैं, रास्ते में बस पहुंच जाएंगे एक दो घंटे में। पहुंच गए हम 3 बजे शिमला आराम से, क्यों शिमला हमने क्रॉस कर लिया है, हम शिमला आते हुए घूमेंगे। पहले नारकंडा जा रहे हैं, तो नारकंडा का टेम्परेचर भाई 7 डिग्री दिखा रहा है अभी, देखो भाई व्यू तगड़े ही है भाई एकदम। वैसे सच बताऊं तो मनाली से तो अच्छा लग रहा है मेरे को भाई, नीचे डली कुफली नाल देरा यही है ना। यस जान दो तुम, चलो ऊपर को तो छोटा शिमला के लिए गया। चलो भाई हमारे मानसू आज नेविगेशन हम साथ लिए क्या है, फोन में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो भाई हिमांशु यहाँ पे बता रहा है भाई साहब एक के ऊपर एक घर, घर की है यार पैसा बहुत बनता है भाई। वंडरफुल जागोगे।
हेलो गाइस, देखो भाई ये यहाँ पे शेर चीते कुफरी का कुफरी से पहले ही जंगल, क्या व्यू है, बहुत शानदार एकदम। देखो भाई बिल्कुल इतना मस्त देखने के लिए नज़ारे, जन्नत एकदम भाई, सिस्टम सच में भाई गॉड मस्त एकदम। अरे भाई यहाँ पे सारे जंगली जानवर जितने भी हैं वो सारे मिलेंगे भाई, शेर भालू सब, पर बाकी इसमें कोई इतने घर वर। चलते हैं फिर और आगे आगे के लिए, नहीं फिर दिक्कत होगी ना। चलो चलो भाई देख लिया आपने, तो आगे भी ही चलते हैं अपन। ये भाई सलाजित बेच रहा है, ये भाई भाई बिल्कुल पेवर सला देते हैं। हाँ देख ले भाई सिस्टम, ना ना भाई सिस्टम सिस्टम अपना ठीक है ना भाई, अपने को जरूरत नहीं है सिलाजीत वगैरह की ना, ठीक है भाई। भाई साहब सच में आप लग रही है ठंड, तो भाई चलते हैं आपको दिखाते हैं। लाठी से बात करी क्या, कहते रास्ते खुले हैं हेमंत जी भाई? हाँ जी भाई, लाठी से बात करी क्या बताया, जब भी आता था ना इस दुकान पे यहाँ रुकूंगा, जब मैं नीचे से आऊंगा ना हिम्मत भाई जैसे आऊंगा वहां से ये मेरा रास्ते होता था, यहाँ खरीदूंगा उसके लिए चॉकलेट चॉकलेट। और यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे फागू पड़ता है, कुफरी से आगे है थोड़ा। अच्छा फागू मिल को मिलती है, उसको वहाँ से रिसीव करना और सीधा नारकंडा जाना। अच्छा बाबा जी ये तो दृश्य अच्छा है, आई लव कुफरी, एक साल बाद दोबारा देखने को मिल रहा है ये दृश्य। चल बर्फ तो मिल गई यार, ये तो बढ़िया, क्यों और ऊपर जाएंगे ना फ्रेश मिल जाएगी वहाँ, बढ़िया फ्रेश बर्फ मिलेगी। कौन और लिया था बर्फ डाल के यार, गलती कर दी गलती कर दी। चलो बोतल